हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी किल में। मेन जीनियस एग्जाम्स वाले की आज डिस्कस करने वाले हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको बता दूं कि जो एमपी कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है उसमें भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और एसएससी सीएचएसएल का जो पेपर होने वाला है उसके लिए भी है। जनरल नंबर के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के मैंने व्यापम की साइड से ही उठाए हुए हैं, जो पटवारी में आए हुए हैं, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्लाइन इन द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ग्लोबली 2021 एज कम्पेयर टू 2018-20 बेसलाइन। अगर 2020 और 2018 को कंपेयर करें बेसलाइन में, तो डिफॉरेस्टेशन कितना परसेंटेज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, तो वो हुआ 6.3 डिक्लेशन हुआ है, यानी कि कम हुआ है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का काटना वगैरह, इस पर थोड़ी सी रोक लगी है, प्रतिबंधित हुआ है डिफॉरेस्टेशन। Who wrote the book Unfinished? ये बुक है Unfinished, ये किसकी बुक है? आप देख रहे हो कि प्रियंका चोपड़ा की है, प्रियंका चोपड़ा जोन्स, आपको मालूम जोन्स इनके हस्बैंड हैं। ठीक है, तो Unfinished ये बुक है, ये उन्होंने लिखी है, वो है प्रियंका चोपड़ा ने। खिज्र खान वॉज सक्सेड बाई सन, तो खिज्र खान का जो पुत्र था वो कौन था? मुबारक शाह। और मोहम्मद शाह रंगीला बोला जाता है, इस तरह ना रंगीला किसको बोला जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला बोला जाता है, बहुत बार रंगीला किसको बोलता है? मोहम्मद शाह को बोला जाता है। मुबारक शाह खिज्र खान जो सक्सीड हुए थे, सैयद डेंसिटी से जे थे, सैयद डेंसिटी थी इनकी, और फोर्थ डेंसिटी इन द दिल्ली सल्तनत, तो जो कि चौथी सल्तनत थी दिल्ली सल्तनत में। और इनका जो रूलिंग जो पीरियड था 1414 से लेकर 1451 पर था इनका सैयद सल्तनत का इनका जो था। और फाउंडर जो था सैयद बंद का वो खिज्र खान था, फॉर्मरी जो गवर्नर था वो मुल्तान का था। दे सक्सीड द तुगलक डायनेस्टी, इन्होंने तुगलक डायनेस्टी पे विजय पाई थी, एंड रूल द सल्तनत अंटिल द देवर डिस्प्ले द लोधी डायनेस्टी, जब तक वो लोधी डायनेस्टी नहीं आई थी। आलम शाह का जो कि पीरियड रहा था 1443 से लेकर 1451 तक रहा था। लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी थे खिज्र खान, तो जो लास्ट रूलर जो था वो खिज्र खान था, और जो कि खिज्र खान इन्होंने ये फाउंडर था सैयद डायनेस्टी का इन इंडिया में। रूल डिस्प्यूट द तैमूर सन सक्सीड द शाहरुख, तो इन्होंने था यही था हिंदू जमींदार और इटावा खिदर में, ये इन्होंने एशियन पे फ्रिक्वेंटली इन्होंने चैलेंज दिया था। और आपको बता दूं ये जो जिस शाह जो और स्लेव डेंसिटी आपको मालूम कुतुबुद्दीन ऐबक किया, और खिलजी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने ये फाउंडर थे। Which article of the constitution provide for the constitution of the financial committee for the municipality? जो financial committee जो provide करती है वो कौन सा article है? वो है 243(y) है। जो municipality होती है उसमें financial committee का गठन होता है, वो article आता है 243(y) में। तो ये पंचायती राज से भी एक तरीके से question आए हैं, तो ये भी question बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। financial committee जो municipality जो बनाती है वो 243(y) बनाती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो बीमा है तो किस एज ग्रुप के लिए जो है, तो 18 से 50 साल के लिए जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है 18 से 50 साल के वर्ग के लिए है, यानी कि मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 साल, तब इस आप योजना का लाभ ले पाएंगे। आपको मालूम है कि 2015 में 9 मई 2015 में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का शुभारंभ किया था। तो इससे मतलब ये था, उस समय जब जो बजट स्पीच दी थी उस समय जो हमारे दिवंगत नेता थे अरुण जेटली, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने इसको लिया था। और ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, और इट वॉज द गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया। एम इसका है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति लॉन्च द इनक्रीज द रीच ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस अमंग द सिटीजन। ठीक है, इसमें तो फिर जैसे कुछ व्यक्ति को कुछ हो जाता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में, तो उसको कुछ लाभ दिया जाता है, याद रखना। तो इसमें जो एज ग्रुप है 18 से 50 साल है जीवन ज्योति, यानी कि आपको ज्योति कब तक मिलेगी? 50 साल तक, याद रखना, बस उसके अलावा कभी नहीं मिलेगी। और मिनिमम एज तो आपको मालूम है 18 ही है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर याद रख लिया जा सकता है। बट इज द प्रोसेस ऑफ पूलिंग एंड रीपैकेजिंग फाइनेंशियल असेस टू मेक देम मार्केटेबल, तो इसको बोले सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन जो है एक प्रोसेस है, इसको पूलिंग और रीपैकेजिंग किया जाता है फाइनेंशियल असेट देम टू मार्केटेबल, तो इसको बोले सिक्योरिटाइजेशन।
हु इज द हेड ऑफ द कमेटी ऑफ द पेंडेमिक रिस्क पूल। पेंडेमिक रिस्क पूल जो थी सुरेश माथुर जी की कमेटी बनाई थी और जो कोविड 19 के टाइम पे बनाई थी। आपको बता दूं पेंडेमिक रिस्क पूल की जो कमेटी के हेड थे वो थे सुरेश माथुर जी थे। हाउ मेनी मेंबर पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस, जो 1858 में 1885 में कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें कितने मेंबरों ने पार्टिसिपेट किया था, वो 72 मेंबरों के 72 मेंबर्स थे। और आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी में भी, मेनी टाइम्स ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके रिपीटेटिव ही आते हैं, याद रखना। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेशन कब हुआ था, 1858 में हुआ था, ये सबको पता ही है। कहां पर किस जगह हुआ था, वो बॉम्बे में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी WC बैनर्जी ने, बॉम्बे चंद्र बैनर्जी ने की थी। सेकंड सेशन कलकत्ता में हुआ था, वो दादाभाई नेहरू जी ने किया था। फिर जो तीसरा सेशन था वो मद्रास में हुआ था और जो बैयतुद्दीन तैयब जी ने किया था। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी पूछा जाता है तो तैयब जी थे जो कि मद्रास में इन्होंने किया था, जो तीसरे सेशन में किया था। फोर्थ सेशन MPSI में क्वेश्चन पूछा गया था, आप उठा के देख लीजिए गया 1888 में ये जो सेशन हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। तब एक पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज यूल, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे भी प्रेसिडेंट अंग्रेज नहीं किया था वो थे सर विलियम बेडरम ने, वो बॉम्बे में हुआ था, याद रखना, जो फिफ्थ सेशन था। तो यानी कि दो लगातार सेशन अंग्रेजों ने ही लिए थे, सर विलियम ने लिया था और जो फोर्थ सेशन लिया था जॉर्ज यूल ने लिया था। MPSI में क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इस पर जरा थोड़ा सा ध्यान देना। किस प्लेस में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। वट इज द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सिटीजनशिप, सिटीजनशिप कॉल्ड, इसको बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है 1955। आपने देखा होगा अभी नागरिकता पे काफी देश में हंगामा भी बचा हुआ था, तो ये लॉ बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सिटीजनशिप एक्ट जिसको कहा जा रहा है, तो 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत आता है। When did India launch National Action Plan on Climate Change? जब National Action Plan on Climate Change पे इंडिया ने ये लॉन्च किया था, वो किया था 2008 में ये किया था, याद रखना, National Action Plan on Climate Change। Which committee has developed and proposed financial standard for the resolution framework for COVID-19 related stress That center on resolution strategies। तो ये कौन सी कमेटी थी जिन्होंने डेवलप किया था फाइनेंशियल स्टेजेशन के लिए एक रेजुलेशन फ्रेमवर्क बनाया था कोविड 19 को रिलेटेड लेके लिए थे, वो थी KV कामत कमेटी। फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर और वो थी KV कामत कमेटी। KV कामत कमेटी, आपने देखा होगा कि हमारे बजट में भी फाइनेंशियल एसेट्स किया गया था, KV कामत कमेटी ने ही सजेस्ट किया था क्योंकि वो फाइनेंशियल एसेट्स किया जाए, क्योंकि है ना आपको देखा कि इकोनॉमी काफी ज्यादा ध्वस्त पड़ चुकी थी क्योंकि कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑब्जर्व 116th डेथ एनिवर्सरी ऑफ यू क्यांग नभा ऑन December 30। तो ये जो आपके बता दूं कि ये मेघालय के फ्रीडम फाइटर थे, तो ये जो नॉर्थन स्टेट थी वो मेघालय थी और इनकी 160 डेथ एनिवर्सरी थी यू केंग नवाब। और जो कि इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मतलब ये फ्रीडम इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, मेघालय से बिलोंग करते थे और इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल मूवमेंट थे उनके खिलाफ काफी ज्यादा इन्होंने जंग लड़ी थी, तो ये मेघालय से आते हैं, मेघालय से आते हैं, याद रखना। Who is the following the शगुन संत, शगुन संत जो थे वो तुलसीदास थे, याद रखना। शगुन देखो दो तरीके से, शगुन और निर्गुण, निर्गुण जो संत थे दो हमारी जो संत थे दो चीजों में डिवाइड हो चुके हैं। तो शगुन संत में जो आती थी, शगुन इंक्लूड द ट्रेडिशन फोकस द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डाइटीज सच एज शिवा विष्णु हिस अवतार, हेंस द स्टेटमेंट ये जो है इनको बोला जाता है। शगुन में बोला जाता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल मतलब जो भगवान है उनकी पूजा की जाती है, भगवान शिव की विष्णु की और उनके अवतारों की खुली जाती है, ठीक है। और निर्गुण में विदाउट द एट्रीब्यूट्स, तो इनको कोई एट्रीब्यूट्स नहीं मिलता। और जो निर्गुण भक्ति ऑन द अदर हैंड द वर्शिप ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, जो एब्स्ट्रैक्ट उनके निकाले हुए फॉर्म है, तो उनको निर्गुण भक्ति में कहते थे। सगुण में हमारे तुलसीदास जी आते हैं। वेयर वॉज सेंट रामानंद बॉर्न, रामानंद का जो संत थे वो रामानंदा जो कि बॉर्न हुए थे प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। रामानंदा वॉज ऑलरेडी फॉलोअर रामानुजम बट लेटर इज द फाउंडर हिज ओन
सीक्रेट एंड प्रीच प्रिंसिपल हिंदी एट बनारस एंड आगरा। ठीक है, वो भगवान राम की पूजा करते थे। फर्स्ट टू एम्प्लॉय द वर्नाकुलर मीडियम टू प्रोपोगेट दिस आइडिया। और इनकी डिसीजन पे कबीर चले थे, रैदास चले थे जो कि कोबलर थे, और शैन थे, बार्बर थे, साधना एक बूचर थे, धन थे, तो ये सब इनके उनके पद चिन्हों पर चले। रामानुजम जो कि 12वीं सेंचुरी के थी सेंचुरी के थे और इनका प्रयागराज में जन्म हुआ था। तुलसीदास जो 13वीं सेंचुरी में थे, इन्होंने रामचंद्र मानस लिखी थी। कबीरदास जी थे, कबीरदास इज अ डिसिपल ऑफ रामानंदा एंड रिगार्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ द मैजेस्टी शैन। व्हाट इज द हेलीकॉप्टर इकोनॉमी? हेलीकॉप्टर इकोनॉमी क्या होती है? देखो इतनी खतरनाक टर्म में पूछी गई है, ये पटवारी में पूछी गई थी। हेलीकॉप्टर टर्म क्या होती है? अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी को हेलीकॉप्टर मनी बोला जाता है। अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि देखो ये क्या हुआ था, ये अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। दिस टर्म ड्राइव ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेलीकॉप्टर मनी विच डिनोट द प्रिंटिंग लार्ज सम ऑफ मनी। यानी कि इसमें क्या करेंगे, हम प्रिंटिंग करेंगे लार्ज सम ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू पब्लिक, इंक्रीज मनी सप्लाई एंड स्टिमुलेट द इकोनॉमी डिफेबिलेशन पीरियड। द सर्वे हॉज कॉल्ड द डिमोनेटाइजेशन या रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप या हेलीकॉप्टर होवर बिकॉज हैज रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द मार्केट। तो इसको बोलते हैं अनकन्वेंशनल मॉनिटरी पॉलिसी। एक कन्वेंशनल मॉनिटरी पॉलिसी होती है जो कि आपको मालूम है कि आरबीआई हमारी जारी करता है, आरबीआई हमारी जारी करता है मॉनिटरी पॉलिसी। अब ये जो अनकन्वेंशनल मॉनिटरी पॉलिसी का ही एक उदाहरण है हेलीकॉप्टर मनी। इसमें हम क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रिंटिंग्स कर देते हैं मनीज का और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप भी बोल सकते हैं, डीमोनेटाइजेशन इस तरीके से कह सकते हैं, हेलीकॉप्टर होवर भी बोलते हैं इसको, तो अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो इसको याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी अपॉइंटेड द नोडल एजेंसी ऑफ द नेशनल पावर पोर्टल? नेशनल पावर पोर्टल, तो नेशनल पावर पोर्टल जो होती है वो होती है आपकी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो है नेशनल पावर पोर्टल। नेशनल पावर पोर्टल जो है अपॉइंटमेंट जो एजेंसी करती है वो सेंट्रल की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी पर होती है। बात करते हैं नीति आयोग की। देखो नीति आयोग क्या है, एक असंवैधानिक बॉडी है। इसको 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। आपको मालूम कि 12वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया था, 12th फाइव ईयर प्लानिंग को खत्म किया, तो उसकी जगह पे हमारा नीति आयोग बना दिया गया था। देखो नीति आयोग बनाने का कारण ये भी था क्योंकि है ना, हम अब 5 साल बाद, क्योंकि हमारे डे बाय डे डिजिटलाइजेशन काफी हो रहा है, टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव हो रहे हैं, तो हम 5 साल बाद हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वी नेवर प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, अब हम शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने लगे हैं इसमें, तो नीति आयोग इसलिए फॉर्मेट किया था 1 जनवरी 2015 को। तो इसको रिप्लेस कर दिया गया था प्लानिंग कमीशन से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं, उसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और ये प्राइमरी थिंक टैंक है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्रोवाइडिंग द बोथ डायरेक्शनल पॉलिसीज और इनपुट्स है। अब ये बात करेंगे, नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी हैं, और वाइस चेयरमैन इसकी कौन है, डॉक्टर सुमेन बेरी, ये अभी बने हुए, ये जो आप देख रहे हैं वो है डॉक्टर सुमेन बेरी, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन है ये, और सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम इसके सीईओ है। ठीक है, फुल टाइम मेंबर जो है वीके सारस्वत है, रमेश चंद है, वीके पॉल भी है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बना था। विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एसआर बोमाई केस? एसआर बोमाई केस में जो हुआ था, कौन सा करेक्ट नहीं है, जुडिशियली रिव्यू इज अवेलेबल फॉर द प्रेसिडेंट रूल, बिल्कुल सही है कि भैया जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल में। द कोर्ट कैन नॉट इन्वेस्टिगेट द करेक्टनेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है, टिल पार्लियामेंट अप्रूव लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंडेड नॉट डिसॉल्व, ये रिक्वेस्ट टू द टोटलाइजेशन इज स्टेट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो एक्चुअल में क्या हुआ था, आर्टिकल नंबर 365 कहता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि एसआर बोमई केस वैसे यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था। सर बोमई वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक थे, जो बोमई जो केस था वो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक के थे और जनता दल से पार्टी से बिलोंग करते थे। ही वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज ऑन द स्टेट, जब उनके राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था, राष्ट्रपति रूल लगा दिया गया था, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सेड द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज पावर ओनली व्हेन टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट गिव देयर अप्रूवल, टिल देन द ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी सस्पेंडेड। तो इन्होंने स्पेशली उन्होंने चुनौती दी थी रिक्वेस्ट फॉर ए टोटलाइजेशन स्टेट, जो कि गलत था। ठीक है,
और 345 जो आर्टिकल हमारा है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स कहलाता है, 363(2) द इंटरफेस बाय द कोर्ट डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रीटीज एग्रीमेंट, 364 स्पेशल प्रोविजन फॉर मेजर पोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स, और आर्टिकल 365 सबको पता है इम्पोजिंग ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स, इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल्स आपको मालूम है बहुत सारे स्टेट्स में लग चुका है अभी, जैसे कि मणिपुर में हालात है वहां भी प्रेसिडेंट रूल्स बनाने की मतलब इम्पोजिशन करने की काफी बात चल रही है, वहां पर भी 365 की अकॉर्डिंग ही लगा सकते हैं। आपको मालूम है अभी 15th हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। What is the name of the winner Booker Prize 2022? 2022 का जो Booker Prize मिला है वो मिला है शेहनन करुणा तिलका तिलके, जो कि श्रीलंका के हैं, करुणा तिलका, ठीक है। आपको मालूम इनकी जो बुक थी सेवन मून ऑन माली एलमिडा, तो इनका नोवल थी सेवन मून ऑफ द माली एलमिडा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस बुक के लिए मिला है, किस नोवल के लिए मिला है, तो ये मिला सेवन मून ऑफ माली एलमिडा, ठीक है। और ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या डिस्क्रिप्शन है उसमें, ठीक है। और अभी की बात करें 2023 की इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो मिला है वो बल्गेरियन के राइटर है जो कि जॉर्जी गॉसपोंडोव्स, गॉर्गी गॉसपोंडोव्स विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये भी आपको पूछने चाहिए। और इनके ना टाइम शेल्टर, ये मतलब नोवल है इनका टाइम शेल्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर मिनरल रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, कैल्शियम की जरूरत बढ़ी है हड्डियों के लिए, आयरन की भी जरूरत पड़ती है आपको, सोडियम की जरूरत है, सिलिकॉन की जरूरत असेंशियली नहीं है, नॉट ए मेजर मिनरल रिक्वायर्ड है, सिलिकॉन की जरूरत नहीं है। वेट रिप्रेजेंट, वेट किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। सिंपल सा क्वेश्चन है पर लेकिन आपको यहां भी कंफ्यूज कर सकता है मास और मास में, ठीक है। वेट रिप्रेजेंट करता है हमेशा फोर्स को, ठीक है। देखो मास इज द मेजरमेंट, मास क्या है, मास इज द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट मैटरिंग समथिंग कंटेन्ड बाय, वेट इज द मेजरमेंट ऑफ पुली ऑफ ग्रेविटी ऑन ए ऑब्जेक्ट, वेट हमेशा क्या होता है पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन ए ऑब्जेक्ट, किसी पे मतलब ग्रेविटी का ऑब्जेक्ट्स का लग जाना उसको। मास इज मेजर्ड यूजिंग द बैलेंस कंप्रेसिंग नोन एज द अमाउंट ऑफ मैटर, अननोन अमाउंट ऑफ मैटर, वेट इज मेजर्ड इज स्केलर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेशन चेंज। देखो मास कभी चेंज नहीं होगा जबकि वेट चेंज हो जाएगा, मास कैन नेवर बी जीरो, मास कैन नेवर बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल ले दो कि फ्लोटिंग स्पेस ले, देयर इज नो ग्रेविटी एक्टिंग ऑन हिज बॉडी, देयरफॉर देयर इज नो वेट, ठीक है। मास केवल कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। मास इज कॉमनली मेजर्ड किलोग्राम्स ग्राम्स, वेट इज कॉमनली मेजर्ड न्यूटन्स, वेट हमेशा किसमें नापा जाता है, न्यूटन्स में। तो आपको न्यूटन्स की बात कर रहे हैं तो आपको न्यूटन्स का किसमें होगा, ये फोर्स में। तो आपको ऐसे भी है, वेट हमेशा किसमें नापा जाता है, न्यूटन में। तो यहां पर क्या होगा, वेट रिप्रेजेंट फोर्स। मैकाल रेंज इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंड ऑफ द डैश टाइगर रिजर्व विच रन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो वह कान्हा किस लिए, आपको मानो कान्हा नेशनल पार्क है तो यहां पर ये कि मैकाल रेंज में ही पड़ता है, ठीक है। और कान्हा किस लिए कब बना था, 1955 में इसको बनाया गया था कोर ऑफ नेशनल टाइगर रिजर्व। फिर 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर जब चालू किया था इंदिरा गांधी जी ने, तब इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। द पार्क आल्सो नोन द एवर ग्रीन साल फोर्स्ट के लिए एमसीबी ने भी जाना जाता है, ठीक है। मेजर स्पीसीज है बारासिंगा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है बस ये, ठीक है। और कुछ नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश के आप देखते हैं, बांधेगढ़ नेशनल पार्क है, फोजिल नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना है, पैंच है, संजय गांधी सतपुड़ा है, वन विहार है, डायनासोर नेशनल पार्क है। तो ये 10 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द इंडिया लार्जेस्ट आर्म सप्लायर 2020, तो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा लार्ज सप्लाई रसिया से ही होता है, याद रखना रसिया से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कबीर चबूतरा वेयर सेंट कबीर इज सेट टू बी हेड मेडिटेट सिचुएटेड, तो अमरकंटक में, याद रखना कबीर चबूतरा जो बना हुआ है वहां पर जो ध्यान लगाते थे वो अमरकंटक में, कबीर चबूतरा वेयर सेंट कबीर सेट टू बी हेड मेडिटेट लोकेटेड इन अमरकंटक। अमरकंटक जो टाउन है वो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट को पड़ती है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। अमरकंटक इज द ओरिजिन ऑफ नर्मदा, यहां पर जो नर्मदा नदी निकलती है सन
रिवर एंड जोहिला रिवर इज द होली प्लेस ऑफ हिंदूज, आपको मालूम है। लोकेशन क्या है, यहाँ पर मैकाल हिल्स है, मैकाल हिल्स अमरकंटक पॉपुलर हिंदू फिल्मी ग्रेज है। बिंदिया एंड सतपुड़ा हिल्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया मीट द सिंह, यहाँ पर 1065 मीटर अबव द सी लेवल्स है। महेश्वर की बात कर लें, महेश्वर ये कहाँ पर पड़ता है, खरगोन में पड़ता है। जबलपुर आपको मालूम है कि ये इंडियन स्टेट्स है तो वेस्टर्न स्कोट्स में है। सांची आपको पता है, सांची बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है। विच कंट्री हैज वन द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन हॉकी ओलंपिक्स, भारत ने अभी तक सबसे ज्यादा हॉकी ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हैं। आपको बता दूं कि 8 गोल्ड जीते हैं 1928 में सबसे पहले जीता था, फिर 32 में, 36 में, 48 में, 52 में, 56 में, 64 में, 80 में, सबसे लास्ट अपने 80 में जीता था 1928 से लेकर। तो अभी हमारे पास 8 ही गोल्ड है, ठीक है, और इसके पीछे भी 8 आ रहा है। आप देखो 1980 में भी लास्ट जीता, तो इसके पीछे भी हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, याद रखना, ठीक है। द नंबर ऑफ सिल्वर मेडल बोन द इंडिया वुमेन, एक केवल एक जीता है 1960 में। द नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल बिंद, अभी 2020 में भी जीता था ब्रॉन्ज मेडल वाला इंडिया हॉकी में, 1968 में भी जीता था, 72 में भी जीता था और 20 में भी जीता था, ठीक है। फील्ड गेम है आपको मालूम है, इसमें 11 प्लेयर होते हैं हॉकी स्टिक्स में, और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसके रूल्स बनाती है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। मध्य प्रदेश है डैश स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, तो 61,886 स्क्वायर किलोमीटर आपके पास रिजर्व फॉरेस्ट है, याद रख लें, 61,886 स्क्वायर किलोमीटर रिजर्व फॉरेस्ट है हमारे पास। द राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान नॉट गिवन टू द मेंस को नहीं दिया जाता है, मेंस को नहीं दिया जाता, याद रखना। पर्सनलिटी इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स में दिया जाता, आर्टिस्ट को दिया था, और फील्ड ऑफ फोल्क जो लोक नृत्य होते हैं उसमें लिया जाता है, जो पुरुष को ऐसा नहीं दिया जाता, देवी अहिल्या सम्मान। विच मिनिस्टर मिनिस्ट्री हैज लॉन्च आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल डिजिटली फैसिलिट इन्वेस्टर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया था आत्मनिर्भर निवेशक, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। Who among the following became the Nawab of Bengal 1756 after the death of Ali Wardi Khan? तो वो सिराजुद्दीन दौला नवाब ऑफ बंगाल बना अली वर्दी खान की मृत्यु के पश्चात 1756 में। Under the state budget 2021, the government has allocated how many crore the metro project in Bhopal and Indore? तो 262 करोड़ ये जो है state बजट में जब आया था तो 262 करोड़ अलोकेट किए गए हैं मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए। आपको मालूम है कि इंदौर और भोपाल में मेट्रो का काम काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है, वहां पर मेट्रो में आई है और मेट्रो में शायद कुछ वैकेंसियां भी आई हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंक्लूड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बोर्ड, वो अमंग द इंक्लूड कौन होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, बिल्कुल लोकसभा राज्यसभा के दोनों मेंबर होते हैं, एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज अलोंग विद दिल्ली एंड पोंडोचेरी, ये जो है आपके वोट करते हैं, याद रखना। और आपको बता दूं कि राज्यसभा के जो चुने हुए मेंबर होते हैं, राज्यसभा के जो 12 चुने हुए मेंबर हैं वो वोट नहीं करते हैं इलेक्शन प्रेसिडेंटल इलेक्शन में, ठीक है। और ठीक इलेक्शन लोकसभा लेजिस्लेशन कंप्लीट, दिल्ली और पुडुचेरी ये दोनों स्पेशल ही ऐड होती हैं, याद रखना पुडुचेरी। कृष्ण राव पंडित इज एमिनेंट, तो ये जो है बहुत प्रख्यात सिंगर हैं कृष्ण राव पंडित, याद रखना, ठीक है। कृष्णा पंडित वाला इंडियन म्यूजिशियन है और ये ग्वालियर घराना से बिलोंग करते हैं, कंसीडर द मेनी ऑफ द लीडिंग वोकलिस्ट ऑफ द ग्वालियर घराना, तो पंडित कृष्ण राव पंडित जो है ग्वालियर घराना से भी बिलोंग करते हैं। जूनागढ़ फोर्ट कहां पर सिचुएट है, वो है बीकानेर में, जूनागढ़ फोर्ट जो है आपको बीकानेर में मिलेगा, याद रखना। जूनागढ़ फोर्ट काफी ज्यादा फेमस है, 5.28 हेक्टर्स में फैला हुआ है, लार्ज फोर्ट इन द सिटी ऑफ बीकानेर, ठीक है। राजस्थान में तो सबको पता ही होगा, द फोर्ट वाज ओरिजिनली कॉल्ड चिंतामणि, इनको चिंतामणि भी कहा जाता था। फोर्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डर सुपरविंद करणचंद एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ राजा राय सिंह, ठीक है, इन्होंने वो किया था। 6 हिल फोर्ट्स हैं जो कि यूएनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट है, रणथंभौरगढ़ है, गंगा फोर्ट है, अमेर फोर्ट है और जैसलमेर फोर्ट है, ठीक है, जो कि ओल्डेस्ट फोर्ट इन राजस्थान है, और जो बिगर फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ का है। एमपी पंचायत राज
एवं ग्राम स्वराज अधिनियम एनएक्टेड बची है तो 1993 में था, पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में ये लागू हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक एजुकेशन फंडामेंटल राइट, आपको मालूम है 86वां अमेंडमेंट हुआ था, सबको पता है 86 अमेंडमेंट फंडामेंट एजुकेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट हुआ था, याद रखना। और इसमें ये जो है एलिमेंट्री एजुकेशन मैंडेटरी कर दी है फंडामेंटल आर्टिकल 21 ए के तहत, 6 साल के 14 बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, कंपल्सरी एजुकेशन है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये बना था, ये याद रखना, ये काफी ज्यादा बहुत बार पूछा गया है। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था, 2002 में, जब अटल बिहारी जी की सरकार हुई थी, ठीक है। स्कूल चले हम, ये वाला जो नारा दिया गया था तो उसी समय था, वो 86 अमेंडमेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग इस नॉट द हाईएस्ट माउंटेन पीक, द हिमालय माउंटेन, माउंट आबू जो हाईएस्ट पीक नहीं है हिमालयन माउंटेन की, ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स की। कंदेरिया महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड खुजराहो में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कंदेरिया महादेव कहां पर है, ठीक है, क्योंकि जो ये जो काफी ज्यादा फेमस है। खुजराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स आर लोकेटेड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कंसिस्ट ऑफ बोथ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, याद रखना। और ये जो है कंदेरिया महादेव वो शिवजी को डेडिकेटेड है और चंदेल वंश ने इनका निर्माण करवाया था, ठीक है। मणिपुरी क्लासिकल डांस अटकी थे, वो मणिपुर से ही, साथ सही में आ रहा है, नाम में ही रखा हुआ है उसमें। तो हाउ मैनी ब्लड ग्रुप आर देयर, चार तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं भाई साहब, ए बी ए बी और ओ पॉजिटिव, ठीक है, ए ए ए बी और इन दोनों को मिला दो तो वो हो गया ओ, तो वो तो यूनिवर्सल डोनर होता है। ए बी हैज बोथ ए एंड बी एंटीजर, ठीक है, ओ हैज नो एंटीजर बोथ एंटीजी सर्कुलोमा, चार तरीके के होते हैं, इसको रट लें, बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो स्टील में होगी, याद रखना स्टील में होगी। एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट चलता है, देखो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ग्रेटर देन होगी, फिर लिक्विड में होगी, फिर गैसेस में, यानी कि गैसेस सबसे लीस्ट है, सॉलिड सबसे हाई है। आपने देखा होगा आप भगवानी वगैरह घर पे गिराते हैं तो टन सी भयंकर तरीके की आवाज आती है, बहुत ही ज्यादा। लिक्विड एंड सॉलिड आर लेस कंप्रेसिबल then gases, liquid as solid is a much greater bulk modulus than that of gases, speed of sound decrease when we go from solid to gases, decrease हो जाती है speed of sound क्योंकि ये ना घट रही है ना, क्योंकि हम मतलब solid से हम gases की तरफ जाते हैं, तो याद रखना decrease होती है। और maximum steels में होती है ये पता ही है, B is equal to P pressure है और rho जो density है, y ratio of two principal specific heat and gases है। द साउंड इज ऑडिबल रेंज इज नोन एज सोनिक साउंड, इसको कहा जाता है, याद रखना सोनिक साउंड कहा जाता है जिसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। ऑडिबल साउंड जो सोनिक साउंड क्या भी आता है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से बहुत बार पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, याद रखना इसको सोनिक साउंड कहते हैं। अल्ट्रासोनिक को हम सुन नहीं सकते, वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। अल्ट्रासोनिक की जो होती है नॉर्मली जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अपर ही होती है, 10 मेगा हर्ट्ज एंड बियॉन्ड होती है। बैट्स जो होती है बैट्स चमगादड़, बैट्स यूज अल्ट्रासोनिक साउंड ऑफ नेविगेशन, जो बैट्स जो यूज करती है नेविगेट करने के लिए वो ये जो है अल्ट्रासोनिक का यूज कर सकती है, ठीक है। सबसोनिक साउंड क्या है, एक वेव्स जो ट्रेवल करती हैं, स्पीड ऑफ साउंड है सुपरसोनिक वेव्स ट्रेवल फास्ट, बट डेफिनेशन ऑफ साउंड ये है जो उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो लेस देन होती है 20 हर्ट्ज से, उसको होती है सबसोनिक साउंड, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइफ स्ट्रक्चर, इस तरीके से फिंगर लाइफ स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बिली बोलते हैं, याद रखना बिलीस। फोटोकेमिकल स्मोक आल्सो नोन एज, इसको लॉस एंजल्स स्मोक भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक को हम लॉस एंजल्स स्मोक भी बोलते हैं, याद रखना, रट लो इस क्वेश्चन को। हु आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप नेबरहुड्स क्लीन, हमारी जो आसपास की चीजें उसको हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटीजन एंड एनजीओस। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप रट के जाएं, आपको जरूर फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज एनहेंस होगी, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यू शुड वॉच बिफोर द एग्जाम, दिस वीडियो इज बी मस्ट फॉर यू, आई हम्बली रिक्वेस्ट प्लीज वॉच दिस वीडियो बिफोर यू आर गोइंग टू द एग्जामिनेशन। थैंक यू एंड बेस्ट लक, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।